नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिवम अकेडमी के परिचयात्मक सत्र में स्वागत है। हर साल लाखों विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं और हर साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वैकल्पिक विषय कौन सा लिया जाए। तो मैं आपके सामने सबसे पहला वैकल्पिक विषय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह विषय दिलचस्प होने के साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी उचित है जो विज्ञान या कृषि के क्षेत्र से हैं। इसी तरह से ये पूरी सीरीज़ का लक्ष्य कृषि के विद्यार्थी और अन्य दुविधाग्रस्त विद्यार्थियों का यूपीएससी की ओर ध्यान आकर्षित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों मैं कृषि की बात कर रही हूँ, क्यों एग्रीकल्चर? तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी एनालिसिस और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स और काफ़ी साइंस यूज़ होती है। तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट बहुत प्रिसाइज टू द पॉइंट होता है। तो आप इसमें आप जब बेसिक समझ जाते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप बेसिक समझिए और उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है, सो जिस तरह से आप उसके बेसिक्स जिस भी चीज़ पे समझ जाएंगे तो आप आगे उसको अच्छी तरह अप्लाई कर पाएंगे और आप अपने आंसर्स में फ्रेम कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। तो आप जब अच्छे से किसी चीज़ की बेसिक नॉलेज ले लेंगे, आप उसे अच्छी तरह प्रकट करेंगे तो फिर वो काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ये सब्जेक्ट बेसिक एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे पढ़ते हैं और यूपीएससी का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है काफ़ी हद तक सेम होने के बाद भी काफ़ी कंसाइज है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इसको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, एक बार आप अच्छे से समझ जाए तो। दूसरा, इसका जो सिलेबस है वो जीएस के दूसरे पेपर्स जैसे कि साइंस या एनवायरनमेंट इन सब से या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये ओवरलैप करता है। तो आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करते करते दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कहीं ना कहीं से हो जाती है और आप इसमें काफ़ी अच्छे से एंटैंगल करके इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए हो जाता है जो बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसे आप यूपीएससी के ऑप्शनल में पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। हम इस चीज़ को, पूरे सिलेबस को हम अगर डिवाइड करें तो इसमें 15 यूनिट्स हैं सिलेबस में, जो कि इकोलॉजी, एग्रो इकोलॉजी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग पैटर्न, एग्रोफॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन, फार्म मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, उसका मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, देन बेसिक बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिकॉम्बिनेशन, प्लांट ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, फूड प्रोडक्शन, फूड कंजम्पशन, न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी। तो इस तरीके से 15 यूनिट्स में इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से डिवाइड कर रखा है और हम एक एक करके धीरे धीरे सारी यूनिट्स को कवर करेंगे और अपना यूपीएससी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, ना कि केवल एग्रीकल्चर के। तो इस तरह से आगे चलते चलते मैं यूपीएससी और JRF और SRF की तैयारी को अलग करती जाऊंगी। तो यूपीएससी के लेक्चर्स अलग जाएंगे, JRF SRF के लेक्चर्स अलग जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा जिनमें और आप उस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं और उन दोनों का जो बीच का चीज़ होगा वो मैं अलग से आपको बता दूँगी। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स, जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट का जो भी चल रहा है एग्रीकल्चर में जितना भी, तो हम उसको सबको कवर करेंगे, सारी स्कीम्स कवर करेंगे और जितना एक्सपेंडिचर या कुछ भी हो रहा है या जो भी करंट चल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हम वो सब अलग अलग लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे डे टू डे डेली बेसिस पे। तो इस तरह से हम इन सबको कवर करेंगे। आगे देखते हैं, हमारे रेफरेंसेस मोस्टली मैं हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी बाय YV रेड्डी, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग बी सिंह, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एंटोमोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स को मैं मोस्टली इन रेफरेंसेस के थ्रू भी कवर करूँगी।
तो ये ज़्यादा काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स हैं और पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इन सब बुक्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब का क्रिस्प नॉलेज आप सबको देती रहूँगी। तो ठीक है, फिर इसी तरह से ये इंट्रोडक्टरी सेशन मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ और इस तरह से हम लोग अब साथ मिलकर इस जर्नी को पूरी तरह से शुरू करके ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।